वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ जिले की पुलिस क्या निरंकुश हो गई है? बीती रात भाजपा के दिग्गज नेता व संयुक्त व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष अरुण वशिष्ठ के परिजनों के साथ जो हुआ उसे देखकर तो यही कहा जा रहा है। लूट व मारपीट की घटना के बाद मौके पर पहुंचे भाजपा नेता के पार्षद पुत्र को पुलिस ने कई थप्पड़ रसीद कर दिए, वह भी तब जबकि वह अपना परिचय दे चुका था। हमलावरों में से एक जिसका आधार कार्ड गिर गया था उसे पुलिस को दिया गया, लेकिन वह भी गायब कर दिया गया। गंभीर बात यह भी रही कि पुलिस ने हमलावरों व लूट करने वालों को गिरफ्तार करने की बजाय भाजपा पार्षद को ही पावर की हनक दिखा दी। हाँ, भाजपा पार्षद को यह कहते हुए जरूर सुना गया कि सुबह होने पर वह जरूर पुलिस को अपनी ताकत का एहसास करा देगा, अभी दो चार थप्पड़ और लगाने हैं तो लगा लो। यह घटना बीती रात मेरठ शहर के एल ब्लॉक शास्त्री नगर निकट हुई। बताया गया कि भाजपा नेता अरुण वशिष्ठ के परिवार में 27 अप्रैल की शादी है। इसी सिलसिले में रिश्ते के नाती ऋषभ उर्फ गोल्डी नोएडा से मेरठ आ रहे थे। बिजली बम्बा पुलिस चौकी के निकट वेगनार सवार युवकों ने गोल्डी को रोककर लूटपाट की। भागते लुटेरों का पीछा किया गया और गोल्डी ने एमसीसी अस्पताल के पास बदमाशों की कार को रोक लिया। आइए सुनते हैं गोल्डी की जुबानी उसकी कहानी। ऋषभ जी, आप कहाँ से आ रहे थे? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मैं मामा जी के आया हुआ हूँ यहाँ पर L23 में, एल ब्लॉक में। ठीक है, मैं घूम कर जा रहा था, मेरे को कुछ सामान लेना था, लौट कर आ रहा था CNG पड़ाकर। यहाँ पर मेरी गाड़ी रोकी है इन्होंने और गाड़ी रोकने के बाद चेन छीनी है। जब चेन छीनने के बाद मैंने पीछा किया है तो इस जगह पर गाड़ी मैंने रोकी है। उसके बाद इन्होंने अल्लाह के नाम पर बंदे बुलाए हैं। ठीक है, मोमडन बंदे थे, उन्होंने भाई साहब मेरा पूरा ये पूरा ब्लड आया हुआ है। ठीक है, और ये पूरा ये रहा, और ये भैया पीछे खड़े हुए हैं, ये बता देंगे आपको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अराउंड 35 से 40 बंदे थे जिन्होंने बहुत मारा है, और ये पूरा ये सारा कुछ निशान आए हुए हैं। नहीं, आपको किस तरीके से आवाज दे के, किस तरीके से रोका गया आपको? कुछ नहीं, गाड़ी आगे लगाई थी, गाड़ी वैगन आर थी, गाड़ी आगे लगाई है, बकायदा गाड़ी आगे लगाई है वैगन आर, और लूटा है। उसके बाद भागा है बंदा यहाँ पर आकर, गाड़ी जब हमने आगे लगाई है उसके, तो उसने गाड़ी रोकी है और उसके बाद बोला है कि मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं बंदे। तो बंदे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, मोमडन बंदे थे बहुत सारे, उन्होंने यहाँ पर आकर लात घूसे और सारी बेल्टें सब चीजें मारी हैं। भाई हैं मेरे बड़े। कितने लोग थे आप साथ में कार? अराउंड मैं दो, हम दो बंदे थे। I-20 से मेरी UP-16AR-2500। उसके बाद जब हम यहाँ रुके हैं तो इन्होंने बहुत मारा है, बेल्टों से, लातों से, घूसों से, और इवन ये चीज तक मारी है, ये पूरा निशान आया हुआ है। कंप्लेंट आपने पुलिस को दर्ज कराई? क्या हुई है भैया यहाँ? कंप्लेंट आपने पुलिस को दर्ज कराई? कंप्लेंट कर नहीं कर कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे। आधार कार्ड मिला था, वो गायब कर दिया उन्होंने। आप मिलवाओ, आपका आदमी ना, आपके लिए सारी गेट का है ना आदमी, आप बुलवाइए। नहीं नहीं, आप बुलवाइए ना, सब नीचे भाई साहब, सब नीचे। दो चौटे और मान लो, दो चौटे और मान लो, या तो आप अपनी कह लो हमारी। नहीं नहीं, आप दो चौटे और मान लो, आपकी तो ताकत है, लेकिन ताकत में सुबह दिखाऊंगा, ताकत सुबह दिखाऊंगा। अभी तो पहचान नहीं रहे आप लोग, अभी तो नहीं पहचान रहे आप लोग। चाटे मार दो क्या पार्षद को? पार्षद को चाटे मार दो क्या? आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं भाजपा पार्षद अनुज वशिष्ठ। देखिए, जो लूट हुई वो थाना खरखौदा में हुई, जो मारपीट हुई वो थाना लिसाड़ी गेट में हुई। ठीक है जी, लिसाड़ी गेट पे, जब थाना लिसाड़ी गेट के क्षेत्र के अंदर जब उस आदमी को रोकने की कोशिश करी, उसने कुछ आवाज़ वाल लगाई, कुछ उसके लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मारपिटाई करी, मारपिटाई के बाद वो लोग वहाँ से भाग गए। ये मेरा भांजा है, इसके साथ मारपिटाई हुई, चेन लूट ली गई, चलो वो सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो भाग गए, भागते समय उसमें से एक व्यक्ति का आधार कार्ड नीचे गिर गया। वो आधार कार्ड उठाने के बाद पुलिस को दिया, इतने में फैंटम पे दो पुलिस वाले आ गए थे, उन्हें दिया वो आधार कार्ड। आधार कार्ड देने के बाद वो आधार कार्ड गायब हो गया, इतने में उसकी फ़ोटो खींच ली गई थी, है ना। वो उसके बाद जो लिसाड़ी गेट के कांस्टेबल थे, मैं भी उनका नाम नहीं ले रहा हूँ आपके सामने, है ना,
तो उन्होंने वो उसे गायब कर दिया, कहीं उनसे गिर गया क्या रहा मुझे भी नहीं मालूम उसके बारे में क्या है, लेकिन उसके बाद उन्होंने खूब बदतमीजी करी। मेरा परिचय, मैंने अपना परिचय उन्हें दिया, उसके बाद भी उन्होंने बदतमीजी करी। सर आपने उन्हें अपने क्या परिचय? मैंने उन्हें बताया मैं सामने वाले वार्ड 63 से पार्षद हूँ, अपना नाम बताया। इतने में उन्होंने फ़ोन करा, तीन गाड़ियाँ आई, गाड़ियों से जैसे पुलिस वाले उतरे, उतरते के साथ ही उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए, गाली गलौज करते हुए मेरे चाटे मारे और मुझे गाड़ी में अंदर धक्का देने की कोशिश करी। मैंने कप्तान साहब से बात करी, एसपी सिटी साहब से बात करी, उसके बाद जाके थोड़े से तेवर इनके डील हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए घर पर रहें, सेफ रहें, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।